लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबके मिटाए कष्ट कलेश ईश्वर है सत्य यही है ये सनातन नित्य यही है। ज्ञानेश्वर है सत्य यही है ये सनातन नित्य यही है। समय की सीमा श्री गणेश है अंत आरंभ व मध्य यही है। शक्ति भय बंधन से देते मुक्ति भक्ति की ये देते शक्ति भय बंधन से देते मुक्ति। निराकार साकार यही है हर युग का आधार यही है। सत्कर्मी बनाने वाली पूजा हूँ। श्री विष्णु नारद व लक्ष्मी की जिज्ञासा का शमन करते हैं। वीरने को प्रताड़ित कर दिति दक्ष प्रजापति का आशीर्वाद प्राप्त करती है। वरांगी और वज्रांग का विवाह दिति की मांगों की स्वीकृति के पश्चात संपन्न होता है। शक्ति माता प्रसन्न हो आयं ह्रीं क्लीं शक्ति माता प्रसन्न हो
शक्ति माता प्रसन्न हो। हे माँ जगदम्बे, हे वरदायिनी माँ, आप हम पर प्रसन्न हो, हम भक्तों पर कृपा करें माँ। हे शक्ति माँ, हे माँ जगदम्बे, हे वरदायिनी माँ, आप हम पर प्रसन्न हो, हम भक्तों पर कृपा करें माँ। हे शक्ति माँ, हे माँ जगदम्बे, हे वरदायिनी माँ, हे शक्ति माँ, हे माँ जगदम्बे, हे वरदायिनी माँ, आप हम पर प्रसन्न हो, हम भक्तों पर कृपा करें माँ। हे शक्ति माँ, हे माँ जगदम्बे, आप हम पर प्रसन्न हो। पर्वतराज हिमालय, महारानी मैना। प्रणाम माता। प्रणाम माते। प्रणाम। हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। अपना इच्छित वरदान मांगो। अपनी इच्छा को कहने में संकोच न करो। कैसे संकोच ना करें माता, कैसे संकोच ना करें। मातृशक्ति जगदम्बा को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा को प्रकट करने में हम संकोच कैसे ना करें माँ। महाशक्तियों के मानवीय अवतारों के पीछे दुर्लभ मनुष्य शरीर पाने की अभिलाषा के साथ ही जन कल्याण और नव निर्माण की भावना निहित होती है, जिससे आने वाला भविष्य उनका अनुसरण करे और अपना जीवन धन्य कर सके। हे मातृशक्ति, क्या सत्य ही आपके मानवीय अवतार का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा? महारानी मैना तथा पर्वतराज हिमालय, आप दोनों के पूर्व जन्मों के सत्कर्मों से मेरे माता पिता बनने का सौभाग्य आपको ही प्राप्त होगा। हमें अपने सौभाग्य पर विश्वास नहीं होता माँ। मेरी उपस्थिति हर संदेह, हर अविश्वास को समाप्त कर देती है। मैं शीघ्र ही आपकी पुत्री के रूप में मानवीय अवतार धारण करूंगी। आप दोनों का कल्याण हो। प्रणाम माता। प्रणाम माते। प्रणाम माता। बधाई हो महारानी, शत शत बधाई हो। आपको शीघ्र ही जगदम्बा शक्ति की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आपको भी बधाई हो पर्वतराज, आप जगदम्बा शक्ति के पिता बनने का गौरव प्राप्त करेंगे। सच महारानी? हाँ। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। 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 पधारे, कश्यप आश्रम में आपका स्वागत है। कहे मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? संभवतः आपने हमें पहचाना नहीं, प्रजापति कश्यप ऋषि। आप सत्य ही कह रहे हैं। मैं प्रजापति वरांग हूँ और ये मेरी कन्या वरांगी। दक्ष प्रजापति के आदेशानुसार हम आपके आश्रम में उपस्थित हुए हैं। आप कृपा करके
मेरी पुत्री को अपने पुत्र वधु के रूप में स्वीकार करे। तुमने दुष्ट इंद्र के साथ मित्रता करके मेरा तिरस्कार किया है, अब तुम मेरे पुत्र कहलाने के भी योग्य नहीं रहे। ऐसा ना कहे माता, इंद्र का व्यवहार ही मित्रतापूर्ण था। मत कहो मुझे माता, जो पुत्र अपनी माता की मनोकामना पूर्ण न कर सके उसे पुत्र बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। न तुम मेरे पुत्र और न मैं तुम्हारी माता। ऐसा न कहे माता। मुझे माता संबोधित मत करो वज्रांग। तुमने छलिया देवताओं के षड्यंत्र में आकर मेरा अपमान किया है। मुझे क्षमा करें माता। क्षमा? मैं तुम्हें क्षमा कर सकती हूँ, किंतु 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 क्या माता? आप आज्ञा करें। तुम मेरी आज्ञा पूर्ण करने के योग्य नहीं रहे वज्रांग। किंतु यदि तुम मेरा एक वचन पूर्ण करो तो तुम्हें क्षमा किया जा सकता है। कैसा वचन माता? तुम्हारा होने वाला पुत्र मेरे प्रतिशोध को पूर्ण करने का कार्य करेगा। मेरा पुत्र? हाँ, मेरे पूज्य पिता दक्ष प्रजापति के भविष्यवाणी के अनुसार मेरा पुत्र दैत्य शक्ति का अभ्युत्थान करेगा। किंतु तुम अपनी भीरुता लेकर उसके मार्ग में न आना। मैं वचन देता हूँ माता, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। पिताश्री के भविष्यवाणी के अनुसार अब तक तो तुम्हारे विवाह का संकेत मिल जाना चाहिए था। पधारे। देवी दीदी, प्रणाम पिताश्री। इन अपरिचितों के साथ मेरे कक्ष में प्रवेश का कारण? देवी दीदी, यह अपरिचित अब तुम्हारे होने वाले निकट संबंधी है। निकट संबंधी? चकित न हो देवी दीदी, ये प्रजापति वरांग स्वयं तुम्हारी होने वाली पुत्र वधु वरांगी को लेकर यहाँ उपस्थित हुए। धन्य है, धन्य है पिताश्री, आप धन्य है। प्रजापति वरांग की पुत्री वरांगी, तुम मेरे पुत्र वज्रांग को पति रूप में तभी पा सकती हो जब तुम मुझे विध्वंसक शक्ति संपन्न एक दैत्य पौत्र प्रदान करने का वचन दो। आप निश्चिंत रहें देवी दीदी, मेरी पुत्री आपकी समस्त आकांक्षाएं पूर्ण करेगी। मुझे वचन आपसे नहीं, आपकी पुत्री से चाहिए प्रजापति वरांग। मेरे पिताश्री ने जो कुछ भी कहा है माता, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। तो फिर मुझे ये विवाह प्रस्ताव स्वीकार है। आपको विवाह शीघ्र करना होगा। प्रजापति दक्ष की प्रेरणा के अनुसार इन दोनों का विवाह पूर्व निश्चित है, इसीलिए मैं अपनी पुत्री को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। इसी क्षण कश्यप आश्रम में विवाह कार्यक्रम की व्यवस्था की जाए। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी।
सर्व मंगल मंगल्ये मांगलिक कार्य में तेरा क्या कार्य अदिति? देख रही हूँ तेरा दुस्साहस बढ़ता जा रहा है, किंतु स्मरण रख मेरा होने वाला पौत्र तेरे पुत्र इंद्र का सर्वनाश कर देगा। दीदी शांत हो, दीदी शांत हो। मैं शांत तभी हो सकती हूँ जब ये दुष्ट आदिति अपनी काली छाया यहाँ से लेकर चली जाए। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सत्य कह रही हूँ, इस दुष्ट आदिति के ही कारण मेरा पुत्र वज्रांग दैत्य होते हुए भी भीरु सिद्ध हुआ। अब मैं अपने पौत्र पर इसकी काली छाया पड़ने नहीं दूंगी। चली जा यहाँ से, अन्यथा मैं तेरा अपमान करने के लिए विवश हो जाऊंगी। चली जा। अदिति, ये तुमने अनुचित किया है। दीदी मुझे उचित और अनुचित का पाठ पढ़ाने का दुस्साहस न करें। अपनी भी माता अदिति की छाया और इस दुष्ट ऋषि के संस्कारों से दूर रहना। इस दुष्ट ऋषि के आशीर्वाद की तुम दोनों को तनिक भी आवश्यकता नहीं है। प्रणाम माताश्री। तुम दोनों पर मेरे आशीर्वाद की अभय छाया है। प्रजापति वरांग का आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दिति की हर आकांक्षा को पूर्ण करके ही तुम मेरे वचन की रक्षा कर सकती हो पुत्री। तुम दोनों का कल्याण। एक प्रश्न करो स्वामी। एक नहीं, अनेक प्रश्न करो। तुम्हारे मुख से निकले शब्दों से मेरे मन में वीणा की झनकार होती है। कहो प्रिय, कहो। स्वामी, माता श्री ने आपको भीरु क्यों कहा? इस प्रश्न को पूछते समय भी तुम्हारे श्रीमुख से निकले शब्द मेरे स्वाभिमान को बढ़ा रहे हैं। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है स्वामी। मैंने विमाता अदिति के पुत्र देवराज इंद्र को अपना मित्र समझा। वरदानी शक्ति संपन्न होते हुए भी मैंने देवराज इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन से पतित नहीं किया। इसी कारण माता श्री मुझसे रुष्ट हैं। अब तो मुझे माता श्री की इच्छा पूर्ण करनी ही होगी। पूर्णता का तुम वचन दे चुकी हो प्रिय। उस वचन के साथ अब आपका स्वाभिमान भी तो जुड़ गया है स्वामी। श्री को ऐसा पुत्र प्रदान करूंगी जो त्रिलोकी में दैत्यों का नाम अमर कर देगा, हर दिशा में
दैत्य जाति का बोलबाला होगा। श्री महागणेश की इच्छा संसार को वो मेरा पुत्र अपनी इच्छा से चलाएगा। करने के लिए वरांगी ने अपने पति को वचन तो दे दिया, परंतु क्या ये संभव होगा? इसका ज्ञान तो केवल परम देव श्री महागणेश की इच्छा पर ही निर्भर करता है। श्री महागणेश की इच्छा अनुसार अब वो समय समीप आता जा रहा है जब माता शक्ति को अपना वचन निभाना है। माता शक्ति ने महाराज हिमालय और महारानी मैना को वचन दिया था कि वे नारी अवतार धारण कर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। इसी कार्य को पूर्ण करने के लिए श्री महागणेश प्रकट होते हैं। हे माता शक्ति, पर्वतराज हिमालय तथा महारानी मैना को दिए आपके वचन को पूर्ण करने का समय आ गया है। हे माता, आप अपनी अवतारी दिव्य प्राण ज्योति महारानी मैना को प्रदान करें। आपका नारी अवतार संसार के कल्याण का कारण बनेगा। विधानानुसार महारानी मैना तथा पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में नारी जन्म लेने का संकल्प व्यक्त करती हूँ। इसी में संसार का कल्याण है माता शक्ति। परमदेव, आप भी मेरे पूर्व जन्म में दिए हुए वचन के अनुसार मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हों। समर्थ ये इनसे जीवन, यही है कर्ता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है कर्ता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश।